हम ह्यूमंस की हिस्ट्री को देखें और ह्यूमन रेस यानी मानवता को समझने का पूरी तरह से ट्राई करते हैं तो हमें कुछ ही ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण हम अपने आप को होमो सेपियन कहलाने के लायक बनते हैं। और इन सब में भी दो ही ऐसी इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण आज हम जिंदा हैं, वरना अब तक तो हम पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाते, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते। ह्यूमंस की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली क्वालिटी है क्यूरियोसिटी। हम हमेशा जानने की डिज़ायर करते हैं, हम हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसके आंसर ढूंढने का ट्राई करते हैं और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस के आंसर को पता लगाते हैं, हम अपने आप को धीरे धीरे करते हुए एक विकसित कदम की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाते हैं और हमारी सारी ड्रीम्स रियलिटी का रूप लेने लग जाते हैं। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करते हैं जिससे हमारी प्यूरी ह्यूमैनिटी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम बिल गेट्स को ही ले सकते हैं, क्योंकि जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया तो उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर की रचना की जिससे कंप्यूटर जगत में पूरी तरह से रिवॉल्यूशन आ गया और धीरे धीरे करके कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। इसके काम करने की प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई और कंप्यूटर को हर जगह यूज़ किया जाने लगा। अब जब आप रिसेंटली डाटा को देखते हैं, कंप्यूटर फील्ड में हमने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि जितनी आज तक कभी नहीं हुई थी। अगर हम दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट को ही देखें, उन्होंने कहा था कि आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस, यानी मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है बल्कि मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हूँ। हमें भी क्यूरियस बनने की ज़रूरत है। क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए हमें कोई कोर्स पढ़ने या लिखने या सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी तो ह्यूमंस के डीएनए में बचपन से होती है। क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वो दुनिया को एक बिल्कुल ही नए नज़रिए से देखता है और सब कुछ जानने और सीखने की कोशिश करता है। हमें एक क्यूरियस माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है, बचपन से ये हमारे अंदर ही है। हमें सभी चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखना और उससे रिलेटेड सोचना है। आप अपने सपनों पे काम करना शुरू कर सकते हैं और अपने आप के अंदर एक जानने की बर्निंग डिज़ायर को क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप और ज़्यादा क्यूरियस बन सकें। नई नई चीज़ें सीखने से आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जिससे धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों का यूज़ करके एक नई थिंग को क्रिएट कर देते हैं जिससे आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ग्रेट बन जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है द बर्निंग डिज़ायर टू सर्वाइव। हम सभी लोग अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं, हम अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। आप इसे इस बात से ही समझ सकते हैं कि हमारे आसपास इन दोनों कोरोना वायरस फैला है। अगर आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम सभी लोग मर जाते, लेकिन हमारे साइंटिस्ट और हमारी नॉलेज के कारण अब हम कोरोना को भी मात दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अपने आप के सर्वाइवल के लिए बनाई गई है ताकि हम अपना सर्वाइवल कर सके, हम अपने अस्तित्व को बचा सके। अपने अस्तित्व को बचाने का डर तो इतना है कि आप सोच सकते हैं कि हम मनुष्यों ने इतने खतरनाक वेपन्स बना लिए हैं कि जो पूरी धरती को ही विनाश की ओर ले जा सकते हैं। हमने हाइड्रोजन बम, एटम बम ऐसे बना लिए हैं कि इनसे पूरी मानव जाति ही ख़त्म हो सकती है। और इन सब को बनाने का कारण केवल एक ही था, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग बनना ताकि हम सभी अपना सर्वाइवल कर सकें।
अमेरिका, इंडिया, चाइना, ये सभी देश अपना सर्वाइवल करना चाहते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को हराने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। सर्वाइवल का रूल केवल हम ह्यूमंस पर ही नहीं अप्लाई होता है, लेकिन ये सभी ऑर्गेनिज़म्स पे अप्लाई होता है। इसे आप एनिमल किंगडम पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर भी शेर अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल्स को मारता है और खाता है ताकि वो ज़िंदा रह सके और अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए बचाए रखे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हम ह्यूमंस की इमेजिनेशन और नॉलेज की भी एक लिमिट है। हम उन लिमिट्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम बस पैदा होने से लेकर मरने तक और क्वार्क से लेकर अपने आसपास की कुछ गैलेक्सीज तक ही जानते हैं, पर उसके बाद या पहले का हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी लॉजिकल थिंकिंग भी हमारे कॉन्शियस माइंड तक ही साथ दे पाती है, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग को बिल्कुल हिला कर रख देते हैं। हम उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक हमारी सभ्यता टिकी ही नहीं है। एट वट पॉइंट टाइम बिगिन, इसका मतलब है कि हम ये नहीं जानते हैं कि समय कब शुरू हुआ। समय चलता तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि समय कब शुरू हुआ या हमेशा से ये अस्तित्व में था। और अस्तित्व में था तो समय को किसने बनाया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में रहती है तो उसे कोई ना कोई बनाने वाला भी होता है। तो समय को किसने बनाया है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। पर ये क्वेश्चंस रियल हैं, ये कोई हमारी कल्पना नहीं है, क्योंकि समय को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उसका अस्तित्व भी है, पर हम उसे समझने में बिल्कुल नाकाम हैं। ये तो बस एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे हज़ारों क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर पता ही नहीं है। लेकिन अगर एक बार हमें इन सभी क्वेश्चंस की गुत्थी समझ में आने लगी और फ्यूचर में ऐसा हुआ कि हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, तो ह्यूमंस हमेशा के लिए इस धरती पर अमर हो जाएंगे और हम पूरे कॉस्मोस में अपना एक वर्चस्व बढ़ा लेंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। पर इसकी जगह दूसरी भी एक साइड है। अगर हमें ये टेक्नोलॉजी मिल भी गई तो क्या पता हम इस पूरे कॉस्मोस को ही तबाह कर दें, जैसे धीरे धीरे हम अपनी पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं। इसलिए हमें सोच समझ के अपनी नॉलेज और इमेजिनेशन को यूज़ करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही।